नमस्कार, अभिवादन। अटल मैराथन 2023-24 में माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गए हैं। अटल मैराथन को इस वर्ष ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत, और साथ ही साथ उन साथ में है यूनिसेफ और साथ में है युवा उत्साह नए भारत का। यह मिशन एक इनोवेशन चैलेंज जो भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है, किसे? हमारे माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को, जो कक्षा 6 से 12 के बीच पढ़ते हैं, उन बच्चों को अपने आसपास की जो सामुदायिक समस्याएं हैं उनकी पहचान करनी है और उसका एक प्रोटोटाइप सॉल्यूशन देना है। अब ये प्रोटोटाइप सॉल्यूशन क्या है, प्रोटोटाइप का अर्थ क्या है? प्रोटोटाइप सॉल्यूशन का अर्थ समझिए, जैसे हमें कोई अगर मकान बनाना है, हमने कोई प्लॉट लिया, हम मकान बनाते हैं। बनाने से पहले क्या करना होगा भाई? इंजीनियर से मिलकर हम उसका नक्शा बनाते हैं, प्लम्बर की हेल्प लेते हैं, है ना, लाइटिंग का भी डिजाइनिंग कराते हैं, और पूरा का पूरा एक मॉडल बनकर आता है जो स्पेसिफिक होता है उसी प्लॉट के लिए, एक सॉल्यूशन होता है उस मकान को बनाने के लिए ना। तो उसे एक प्रोटोटाइप सॉल्यूशन मीन्स एक नमूना, या एक कहीं तो एक प्रतिरूप, या कहीं तो एक अधूरा संस्करण, है ना, जिसे हम पूरा करते हैं इंजीनियर से, प्लम्बर से, आदि से मिलकर। इसी प्रकार एक कोई सॉल्यूशन हमारे बच्चे चिन्हित करेंगे, उस सॉल्यूशन को चिन्हित करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, और उन सॉल्यूशन का जब मूर्त रूप देने का नंबर आएगा ना, तो हमारे बहुत से मेंटर, हमारी भारत सरकार, हमारे जो एक तरीके से उद्यमी हैं वो हमारे साथ खड़े होंगे, है ना। स्टूडेंट को भारत के प्रमुख कॉरपोरेट्स, उद्योगपतियाँ, और एक इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसा संस्थान जहाँ पर स्टार्टअप को सभी प्रकार की सुविधाएं और सहयोग प्रदान किया जाता है, उनके साथ इंटर्नशिप का मौका दिया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर आधारित है। इस वर्ष की थीम में हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, हम बात करेंगे समावेशी की, समावेशिता की बात करेंगे, हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे, हम मोबिलिटी की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट को किस प्रकार हम सहज बना सकते हैं, कृषि के लिए हम किस प्रकार के नए मॉडल अपनी परियोजनाएं बना सकते हैं, कुछ डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए किस प्रकार हम सॉल्यूशन देंगे उसकी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इस वर्ष एक हेल्थ की, है ना। आपने देखा कि भाई बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, बीपी की नापने की मशीन आती है, पर आपने कोई नई मशीन का एक कल्पना कर ली, आपने आप अपना ब्लड शुगर नापना है। अब तक तो हम सुई लगा के ब्लड निकालते हैं, हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में कोई ऐसा योजना आ जाए कि ब्लड ही ना निकले और ब्लड शुगर टेस्ट हो जाए। तो हम हेल्थ की बात करेंगे, हम एजुकेशन की बात करेंगे, स्कूल डेवलपमेंट के बारे में कोई नई प्लानिंग की बात करेंगे, नई परियोजनाओं की बात करेंगे, हम स्पेस पर जा सकते हैं, और भी बहुत से जो टॉपिक हैं उनसे जुड़ी परियोजनाओं की हम बात कर। एटीएल मैराथन में ये लॉन्च हुआ 1 नवंबर 2023 को, और साथ ही साथ नवाचार और प्रोटोटाइप चरण। प्रोटोटाइप चरण मींस एक जो सॉल्यूशन आप दे सकते हैं ना, एक अपनी समस्या को चिन्हित करने के बाद उसका सॉल्यूशन, वो 26 जनवरी 2024 तक आप उस अपनी सिनॉप्सिस को, अपनी बनाई गई वीडियो को एक तरीके से अपलोड कर सकते हैं, है ना। हम एक टीम के बनाकर इसका कैसे कैसे रणनीति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। टीम बनने के बाद जो सिलेक्शन होगा, उस टीम का जो टॉप मोस्ट टीम आएंगी पूरे देश में, उनके लिए क्या होगा, स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम शुरू होगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनको टेक्निकल हैंड प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ जो आप एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसकी सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है, उसकी अंतिम तिथि याद है ना, 26 जनवरी 2024, हमारा गणतंत्र दिवस के अवसर तक वो समापन उसका होगा, और शीर्ष टीमों के लिए SIP कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जून से। SIP कार्यक्रम का मतलब जान रहे हैं ना, आपको टेक्निकल हैंड देने का कार्य शुरू हो जाएगा, आपको एक तरीके से जो हमारे उद्यमी हैं, है ना, जो हमारे उद्योग डेवलप करते हैं, उन लोगों के साथ आपका कोलैबोरेशन शुरू हो जाएगा, ठीक। आप पात्रता क्या है, अब आपने देखा ना हमारे देश में ATL लैब्स डेवलप की गई हैं डिफरेंट कॉलेज में, चाहे वो CBSE बोर्ड के कॉलेज हैं, UP बोर्ड के कॉलेज हैं, वित्तविहीन, अनएडेड हैं, एडेड हैं, उन सब में ATL लैब। परंतु यह ATL मैराथन में ATL लैब के साथ साथ आप गैर ATL स्कूल के बच्चे भी प्रतिभाग कर सकते हैं। गैर ATL मतलब जहाँ ATL लैब अभी तक डेवलप नहीं हुई है, कक्षा 6 से कक्षा 12 के बच्चे एक टीम के रूप में प्रतिभाग कर सकते हैं। एक टीम में कम से कम 2 बच्चे हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे एक टीम में शामिल हो सकते हैं, और एक कॉलेज के 3 ही बच्चे शामिल नहीं हो सकते, एक कॉलेज की कितनी भी टीमें बनाई जा सकती हैं। और एक कमाल की बात सुनिएगा, जिस कॉलेज की 25 से अधिक टीम होंगी ना, उस कॉलेज को एक विशेष सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा।
सम मिशन, जब आप एक प्रॉब्लम का चिन्हित करेंगे कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने का मेरे में एनर्जी है, मेरे में इतना नॉलेज है, मेरे में इतनी जिज्ञासा है कि उस सॉल्यूशन पे मैं जा पाऊँ, तो उस सॉल्यूशन के लिए आपको एक एक राइटअप लिखना होगा और साथ ही साथ उस सॉल्यूशन से संबंधित 3 मिनट की वीडियो भी बनानी होगी। यानी मात्र सॉल्यूशन लाइए, उसका राइटअप लिखिए, उसके संबंधित 3 मिनट की वीडियो बनाइए और अपने आइडियाज को सबमिट कर दीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना सबमिशन, आपका रजिस्ट्रेशन आप सबमिट कैसे करेंगे। एक से एकाधिक प्रविष्टियाँ, टीमें एक से अधिक समस्या विवरण के लिए प्रविष्टियाँ दे सकती हैं, है ना, और उन्हें प्रत्येक समस्या विवरण के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरने होंगे। अगर एक टीम है, हमने 3 बच्चों की टीम बनाई, उन बच्चों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके बहुत से सॉल्यूशंस हैं, तो वो ही नहीं कि वो एक ही समस्या को ले सकते हैं, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जमा कर सकते हैं, पर हरेक के लिए आपको अलग अलग सबमिशन करना होगा, हरेक के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। टीम आकार सीमा, यदि टीम का आकार 3 सदस्य से अधिक है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। और थीम जो है, वो जो थीम आपको मैंने बताई, उन थीम से बाहर आपको नहीं जाना है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे टीचर किस प्रकार अपने कॉलेज में टीम बनाएंगे बच्चों की, और वो बच्चे या टीचर मिलकर किस प्रकार अपने आइडिया का सबमिशन करेंगे, क्या क्या आवश्यकता होगी उसकी चर्चा करते हैं। किसी भी सर्च इंजन पर आप जाएंगे, आप टाइप करेंगे सर्च इंजन पर, गूगल पर, क्रोम पर, atl.unisolve.org, क्लिक करेंगे, एक ये इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आएगा, अटल मैराथन 2023-24। स्क्रॉल करेंगे, नीचे लिखा है रजिस्टर और लॉगिन। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। आइए रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने विकल्प खुलकर सामने आया, रजिस्टर एच एटीएल स्कूल, नॉन एटीएल स्कूल। भाई दो ही तरह के स्कूल हैं, एक तो वो कॉलेज जिनमें ऑलरेडी एटीएल लैब डेवलप हो चुकी है, एक वो कॉलेज नॉन एटीएल जिनमें एटीएल लैब नहीं है। जब आप एटीएल स्कूल पर क्लिक करेंगे, तब आपके सामने देखो आया एटीएल कोड, तो अपनी लैब का आप एटीएल कोड फिल करेंगे, आगे जाके परसू करेंगे। और आपके पास अगर एटीएल लैब नहीं है तो आप नॉन एटीएल स्कूल पर करेंगे, आप यूडैश कोड उस पर डालेंगे, आप यूडैश कोड डाल दीजिए अपने कॉलेज का। आप जब यूडैश कोड ओपन करेंगे यहाँ पर और 11 डिजिट का डालेंगे ना, 0 शुरू में लगा लीजिएगा, आप कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने पेज खुलकर आया, सेलेक्ट स्टेट, आप स्टेट सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, है ना, सेलेक्ट पिन कोड ऑफ नियर बाई एटीएल स्कूल, आप पिन कोड डालेंगे अपना, तो आपके आसपास की जो एटीएल लैब होंगी ना, वो यहाँ सामने ओपन होकर आ जाएंगी। आप अपने स्कूल का स्कूल नेम डालेंगे, एंटर योर स्कूल एड्रेस डालेंगे, आप डालते चले जाएंगे, देखिए एक डाला है, स्टेट सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, पिन कोड सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने पिन कोड डाला, उसके आसपास की एक जो एटीएल लैब है वो अपने आप आ गई कॉलेज की ना, उसे सेलेक्ट किया, अपने स्कूल का नाम कोई भी आप डाल दीजिए, अपने स्कूल का नाम एड्रेस डाल दीजिए, प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद फिर वो टाइटल मांगेगा आपके नाम का, टीचर नेम का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, टीचर का डॉक्टर है, मिस्टर है, मिस है, मिसेज है, क्या है, टीचर नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, एक OTP आएगा, और OTP के बाद आपकी लॉगिन ID पासवर्ड आपकी मेल ID पर फॉरवर्ड हो जाएगा, तो हो गया आपके टीचर का रजिस्ट्रेशन। अब हमारे टीचर का तो लॉगिन ID पासवर्ड बन गया, वो आप हमारी मेल पर आ गया। हम फिर से साइट पर जाएंगे, atl.unisolve.org पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद टीचर लॉगिन, क्योंकि मैंने टीचर को अभी रजिस्ट्रेशन किया है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं है, तो टीचर लॉगिन पर जाकर जो उनकी मेल आईडी उन्होंने डाली थी, उसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड कहाँ पर आया, मेल आईडी पर आया, है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, ये लॉगिन कर देते हैं। तो जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारे टीचर लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद अब आप देखिए क्या क्या ओपन हुआ, कोर्स हुआ ना, कोर्स एक जो वीडियोज हैं, कुछ आपके लिए कोर्स हैं जो आप टीचर हमारे कोर्स कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बनानी है बच्चों की तो टीम पे क्लिक करेंगे, मैंने चूंकि टीम पहले बना रखी है तो मैंने फिर क्रिएट टीम की, है ना, टीम का नाम दे दिया मैंने, मैंने मान लीजिए टीम का नाम दे दिया, APJ कलाम टीम है मेरी, APJ कलाम सर, है ना, तो मैंने APJ कलाम सर के नाम पर एक टीम बना दी। अब मान लीजिए मेंटर का एड्रेस डाल दिया मैंने, मेंटर का मोबाइल नंबर भी मैंने फीड कर दिया, है ना, और मेंटर का मोबाइल नंबर फीड करने पर डॉक्टर विकास कुमार, जेंडर सेलेक्ट किया। अब आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आकर आपको अपना नाम मैंने लिख दिया, हाँ विकास कुमार, ठीक।
अब देखिएगा, आपने देखा मेरी टीम बनके, एक टीम मेरी टीम तैयार हो गई, सबमिट मैं कर देता हूँ, क्लियर, मेरी टीम हुई। अब टीम के बाद वो कह रहा है ऐड टीम मेंबर। अब टीम मेंबर पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं 3 स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकता हूँ एक टीम में। स्टूडेंट नेम लिखना होगा, एज, डिसेबिलिटी, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो वो लिख दीजिए कैसा दिव्यांग है। स्टूडेंट वन डिटेल दे दीजिए, ईमेल एड्रेस, है ना, क्लास दे दीजिए, जेंडर दे दीजिए, क्लास सेकंड डिटेल। आपको एक और जोड़ना है तो एक और जोड़ दीजिए, जब दो आप जोड़ लेंगे तो तीसरी डिटेल ओपन हो जाएगी, सबमिट कर दीजिए। तो इस प्रकार आपके पास टीम बन जाएंगी और वो टीम देखिएगा ऐसे हो जाएगा जो मैंने टीम बनाई थी। प्रत्येक टीम की हमारे पास क्या आ जाएगा, अपने आप जनरेट होकर पासवर्ड आ जाएगा। यूजर आईडी क्या होगा, उसकी मेल आईडी होगी। अब यूजर आईडी और मेल आईडी पासवर्ड हो गया आपका, हमारा जनरेट हो चुका है। तो इस प्रकार हम अपनी टीम बना पाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि जो टीम बनाई है ये हम बच्चों को उनके यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे। अब बच्चे किस प्रकार अपना सबमिशन करेंगे उसकी हम चर्चा करते हैं। फिर से लॉगिन पर गए और हम टीचर नहीं स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक किया हमने, और जो यूजर आईडी एक बच्चे की आई थी वो यूजर आईडी बच्चा डालेगा, अपना पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करेगा। जैसे ही लॉगिन करेगा है ना, अब आप देखिए क्या होगा यहाँ पर, है ना, ये आ गया, ओपन हुआ ना। अब देखिए कोर्स, रिसोर्सेज, बैजेज, आइडिया सबमिशन। आइडिया कोर्स भी कर सकता है बच्चा, उसका अलग सर्टिफिकेट है। देखिएगा कितनी सारी वीडियोज, अच्छी अच्छी वीडियोज यहाँ पड़ी है ना, तो आप उसे यूज कीजिएगा। आइडिया सबमिशन पर क्लिक कीजिए। आइडिया सबमिशन पर जब बच्चा क्लिक करेगा तो उसमें देखो क्या आया उसमें ना, तो ये आइडिया सबमिशन गाइडलाइंस उसमें आ जाएंगी जो मैंने पहले बताई आपको, है ना। और उसको आप जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके सामने आया विच थीम्स आर यू टारगेटिंग विद योर सॉल्यूशन, आप किस थीम के साथ जाना चाहते हैं। तो आई एडिट पर क्लिक कीजिएगा, और आपके पास यहाँ सामने एग्रीकल्चर पर जाना चाहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पर जाना चाहते हैं, मोबिलिटी पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, स्पेस पर, या अदर्स पर। मान लीजिए मोबिलिटी पर जाना चाहते हैं तो मोबिलिटी पर जाइएगा। तो उस पर जो भी आपको डिजाइन करना है उस पर क्लिक कीजिएगा। इनोवेशन फाइल है ना, मैक्सिमम लेंथ ऑफ करेक्टर्स इज 150 ओनली। आपको जो टाइटल देना है वो केवल 150 शब्दों में देना है, जो आप इनोवेशन करना चाहते हैं, जिस समस्या को, जिस सॉल्यूशन को आप देना चाहते हैं, जो समस्या आपने ली उसका सॉल्यूशन दिया, 150 शब्दों में टाइटल लिख दीजिए। फिर एक्सप्लेन योर इनोवेशन एंड वर्किंग इन डिटेल, आपको डिटेल देनी पड़ेगी। व्हाई आर यू चूजिंग द पर्टिकुलर एरिया, आपने उसका चुनाव क्यों किया, समस्या क्या है। ब्रीफली एक्सप्लेन साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रपोज सॉल्यूशन, जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका जो फीचर्स है मेन, वो उसका क्या है वो सॉल्यूशन भाई। व्हाट मेक्स योर सॉल्यूशन इनोवेटिव एंड डिफरेंट, जो ऐसा सॉल्यूशन आप क्या दे रहे हैं जो पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आपने क्या डिफरेंट किया, आपने क्या इनोवेटिव किया, उसका डिस्क्राइब करना है आपको। एप्लीकेशन एरियाज, और 5000 करेक्टर्स में, शब्दों में नहीं, करेक्टर्स में मैक्सिमम आपको लिखना है। पहले टाइप कर लीजिए, उसे कॉपी पेस्ट कीजिएगा। व्हाट एटीएल टूल्स टेक्नोलॉजी हैव यू यूज्ड व्हाइल डेवलपिंग योर प्रोजेक्ट, आप उस टेक्नोलॉजी कौन सी है जो आप यूज कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, वो भी आपको मैक्सिमम लेंथ में आपको लिखना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, अपलोड रिसर्च डॉक्यूमेंट, जो आपने थीसिस, जो आपने राइटअप लिखा है उसका पूरी अपलोड आप फाइल कर दीजिए, और फाइल का साइज कम से कम 10 MB से कम होना चाहिए। 10 MB से ज़्यादा फाइल आपकी ना हो, और दिस इज नॉट मैंडेटरी बट दे आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स गिवन टू टीम, अगर ये मैंडेटरी नहीं है परंतु अगर आप इसे लिखते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप टॉप टीम में सेलेक्ट हो पाए। शेयर योर प्रोजेक्ट यूट्यूब वीडियो लिंक, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसकी वीडियो बना लीजिए, है ना, उसको यूट्यूब पे कर दीजिए, उसे प्राइवेट भी कर सकते हैं आप, है ना, तो उसे प्राइवेट कर दीजिए और उसका वीडियो बनाइए, उसका आप यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ ऑफ करेक्टर्स 500 ओनली, उसके बारे में लिख भी सकते हैं। और उसके बाद आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका। पिछले सेशन की बात करता हूँ, जो मैराथन 2022-23 था ना, हमारे बच्चों ने 12,000 से अधिक इनोवेशन आइडियाज़ दिए थे, 12,000 से अधिक सॉल्यूशंस, और उन 12,000 में से 400 स्टूडेंट्स को छाटा गया था, और उन स्टूडेंट को स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम के अंतर्गत, जो हमारे भारत के प्रमुख कॉरपोरेट्स हैं ना, जो उद्योगपति हैं और साथ ही साथ इंक्यूबेशन सेंटर हैं, उनके साथ उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, इंटर्नशिप दी गई थी, और AIM नीति आयोग की तरफ से पुरस्कार और सर्टिफिकेट प्राप्त हुए थे। इस बार भी हमारे पूरे देश से, हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे क्या आएंगे, नॉमिनेशंस आने वाले हैं।
हजारों की संख्या में नॉमिनेशन आएंगे। जो टॉप की 400 टीम्स होंगी उन सबको स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें मेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसमें से जो 75 टीम्स होंगी उनको हम कॉरपोरेट्स की मदद से, इंक्यूबेशन सेंटर्स की मदद से, उनके जो कल्पनाएँ होंगी, उनके जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उन्होंने दिए उसे मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाएगा। यानी कल्पनाएँ आपकी, आपने इमेजिनेशन किया कि भाई ये प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, और उनके साथ उसको मूल रूप दिया जाएगा, मूर्त रूप दिया जाएगा, आपको सम्मान के साथ सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ATL मैराथन इनोवेशन के अंतर्गत ये चैलेंज जो आया है ना उसे स्वीकार कीजिए, अधिक से अधिक नामांकन कीजिए। ATL मैराथन 2023-24 में दिए गए विषयों में से किसी कम से कम एक विषय को चुनिए, कम से कम एक समस्या को चुने, उसके समस्या पर जाएं, उसका सॉल्यूशन ढूंढें, शोध करें, विचार करें, इनोवेशन करें, उसके सॉल्यूशन में जाएंगे ना, अपना राइटअप बनाएं, 3 मिनट की वीडियो बनाएं और सबमिशन कर दीजिए, है ना। आइए हम एक नई शुरुआत करते हैं, भारत सरकार के चैलेंज को हमारे माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे और हमारे विज्ञान शिक्षक स्वीकार करते हैं। जय हिंद, जय